नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। कल हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी जिसका नाम था कि चलो आज कुछ नया जानते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आपको जो ये मेरे सामने बंदर दिख रहा होगा, आज इसी बंदर के ऊपर चर्चा होगी। ये कौन है, क्या है और आज हम इसके ऊपर क्यों चर्चा करेंगे, और इसी तरह चलते चलते हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करें, नई नई चीज़ें जो शायद अभी तक हम नहीं जान पाए थे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं और जानते हैं इस बंदर के बारे में कि ये बंदर कौन है, किस प्रजाति का बंदर है। ठीक है, आज कुछ नया जानते हैं इसी श्रृंखला में। इस ये जो बंदर मैंने आपको अभी दिखाया था, इसका नाम है हुलोक गिब्बन। ये है गिब्बन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको यह श्रृंखला कैसी लगी, आप कमेंट करके बताना, और आपको कुछ नया जानने को मिला है या नहीं मिला है आप ये ज़रूर बताइए कमेंट करके, और साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को भी नई नई चीज़ें जानने का मौका मिले और वो भी नई नई चीज़ें सीख सकें। आप और मैं मिलकर, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ प्रतिदिन डेली नया जानेंगे। उसी श्रृंखला में जो आज है, ये हमारी अगली वीडियो है जिसमें आज हम लोग गिब्बन, जो ये एक प्रकार का बंदर है, इसके बारे में जानेंगे। लोग गिब्बन के बारे में जान लेते हैं। लोग गिब्बन सभी वानरों, वानर का नाम आपने सुना ही होगा, तो जब हनुमान जी की जो सेना थी या फिर राम ने जब रावण पर आक्रमण किया था तब उनकी जो सेना में कौन शामिल थे, वानर ही शामिल थे। जी हाँ, उन्हीं वानरों की बात हो रही है। वानरों में छोटा तेज वानर होता है, यह एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। यानी कि ये एशिया जो महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। हुलोक गिब्बन भारत के उत्तर पूर्व में पाए जाने वाले 20 प्रजातियों में से एक है। यानी कि इस तरह के बंदरों की 20 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। उन 20 प्रजातियों में से ये एक प्रजाति है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी अनुमानित संख्या 12,000 है और इनकी टोटल जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कितनी है, 12,000 के आसपास ही पॉपुलेशन है। यानी कि बहुत कम, नाममात्र की इनकी पॉपुलेशन है। लोग गिब्बन एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसको लोग गिब्बन कैसा दिखता है, ये देखिए, ये है लोग गिब्बन। आपने इसमें गौर किया होगा तो एक चीज़ आपने जरूर देखी, नोटिस की होगी कि इसकी पूंछ नहीं है, इस बंदर की पूंछ नहीं है। यानी कि ये बंदर जो मनुष्य है उसके समरूप है। यानी कि ये बोला जाता है ना, आप लोग, आपने सुना ही होगा कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, कि मनुष्य निर्माण बंदरों से हुआ है, बंदरों से मनुष्य में हम लोग, हमारा विकास हुआ है, विकसित हुए हैं हम लोग। तो ये वही बंदर है, हमारे पूर्वज है और कोई नहीं है। लोग गिब्बन, इनकी पूंछ नहीं है, ठीक है। इनका मुंह देखिए, मुंह इनका मुंह काला और मुंह के चारों ओर इसमें सफेद बाल हैं। उसके बाद इनका कलर ब्राउन कलर का है, सफेद और काला, आंखें काली है इनकी। और जो हाथ और पैर हैं, यहाँ पर देखिए हाथ और पैर भी, ये क्या है, काला रंग है इनका, हाथ और पैरों का भी। तो इस तरह का ये बंदर है, ये कहीं पर भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, हुलोक गिब्बन है, हमारे पूर्वज हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, भारत में। तो ये मान लीजिए कि भारत है, यहीं पे मैं बता देता हूँ, ये मान लीजिए कि भारत है, थोड़ा सा सही नहीं बना ये यहाँ से। तो इसका जो ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से में ये बंदर पाए जाते हैं। कभी आपको मौका मिले उधर असम साइड में घूमने का तो वहां पर जाकर आप जरूर देखना इस बंदर को। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के अनुसार हुलोक गिब्बन के सभी वानरों की तरह बेहद बुद्धिमान है। यानी कि ये एक तेज दिमाग वाला बंदर है, तेज दिमाग वाला वानर बोल देंगे हम इसको, बंदर नहीं बोलेंगे। विशिष्ट व्यक्तित्व है और झुंड में रहने वाला, यानी कि अकेला नहीं रहता, ये पूरे परिवार के साथ रहता है, पूरे खानदान के साथ रहता है झुंड में। गिब्बन प्रजाति की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। यानी अभी हमने देखा कि सिर्फ 12,000 की इनकी संख्या रही है,
ये एक चिंताजनक बात है कि बहुत कम जनसंख्या में इनकी आबादी रही है। अब 1900 के बाद गिब्बन प्रजाति के वितरण और आबादी में गिरावट देखी गई है। इसकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाने वाली सबसे छोटी आबादी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जितने भी प्रकार के वानर या बंदर पाए जाते हैं उसमें सबसे छोटी प्रजाति या सबसे छोटी आबादी किसी की है, इसी लोग गिब्बन की है। ये एक चिंताजनक मुद्दा है, इसीलिए आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनका जितना ज़्यादा संरक्षण हो सके उतना ज़्यादा हमें संरक्षण करना चाहिए। ये हमने एक ऊपर देखा था ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि उसने क्या बोला है कि इनकी आबादी में जो कमी हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों इनकी आबादी कम हो रही है। तो भारत में पेड़ों की कटाई, बंदर आपको पता ही है कि पेड़ों पर रहते हैं, तो पेड़ कटने से उनका जो आवास है उनका आवास खत्म हो रहा है, तो उस वजह से इनकी जो आबादी है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जितनी भी प्रजातियाँ हैं जितने भी जीव है सबको यहाँ पे रहने का हक है इस धरती के ऊपर, अगर वो आए हैं ठीक है। तो पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, अगर पेड़ काटो तो उसकी जगह दुगने पेड़ लगाओ, जितने पेड़ काटो उससे दुगने पेड़ लगाओ आप। पूर्वोत्तर में वानर की दो प्रजातियाँ पाई जाती है, पूर्वी हुलोक गिब्बन जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और पश्चिमी हुलोक गिब्बन जो असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जब भी कभी आपको मौका मिले असम जाने का, असम में घूमने का, अरुणाचल प्रदेश में घूमने का, तो वहाँ पर आप इन बंदरों को ज़रूर देखिएगा और मुहिम चलाइएगा, वहाँ पर जाकर समझाइएगा लोगों को कि आप लोग पेड़ मत काटिए इस तरह से, क्योंकि इससे जो लोग गिब्बन हैं उनकी आबादी में कमी आ रही है। और जब भी आप वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर पेड़ ज़रूर लगा के आना। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की स्थापना, भागीदारी संरक्षण नीतियों कानूनों और कार्यों को बढ़ावा देने, एशिया की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से की गई थी। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की स्थापना क्यों की गई थी, ताकि जो गिब्बन है उनकी प्रजातियों को बचाया जा सके, उनके जो आवास है उनको सुरक्षा दी जा सके, उनको संरक्षण किया जा सके। इसके लिए ये एक संस्था बनाई गई थी गिब्बन के लिए, हुलोक गिब्बन के लिए ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च आई थी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी की एक रिसर्च है, उसने क्या बोला था कि 2021 में अनुवांशिक विश्लेषण के आधार पर भारत में वानर की केवल एक ही प्रजाति का विवरण दिया है। इसने पहले के शोध को खारिज कर दिया कि पूर्वी हुलोक गिब्बन अपने बाहरी सतह के रंग के आधार पर एक अलग प्रजाति है, यानी कि जो हमने पढ़ा था पूर्वी और पश्चिमी, उसने बोला है कि ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इसी रिपोर्ट ने कहा है पश्चिमी जो हुलोक गिब्बन और पूर्वी हुलोक गिब्बन है इनकी आबादी लगभग 14.8 करोड़ वर्ष पहले विभाजित हो गई थी, यानी ये पूर्वी और पश्चिमी जो गिब्बन में अरुणाचल प्रदेश में और असम में पाए जाते हैं ये लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले इनका विभाजन हो गया था अच्छे से। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गिब्बन का विस्तार लगभग 8.38 मिलियन वर्ष पहले हो चुका था, यानी कि 83 करोड़ साल पहले लगभग ये जो प्रजाति है विकसित हो चुकी थी, आ चुकी थी। और IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि जीवों और वन्य जीवों और पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती है उनकी एक लिस्ट तैयार करती है, जिसमें वो बताती है कि ये जो प्रजाति है ये पर्याप्त मात्रा में है या इनके ऊपर कोई संकट है, इस तरह की लिस्ट जारी करती है। तो उसने बोला है कि जो पश्चिमी हुलोक गिब्बन है वो लुप्त प्राय हो चुका है, यानी कि वो लगभग समाप्त हो चुका है, और जो पूर्वी हुलोक गिब्बन है वो असुरक्षित है, यानी कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आपको इसको संरक्षण देने की अति आवश्यक है ठीक है। तो ये था हुलोक गिब्बन, जो एक तरह से बोल सकते हैं हमारा एक पूर्वज, ये एक तरह का वानर है। इस वानर को आप देखिए, और इसका जितना ज़्यादा संरक्षण हो सके उतना ज़्यादा हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रजाति, हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक पेड़ पौधा जो इस धरती पर सांस ले रहा है उसको पूरी तरह से अपना जीवन जीने का अधिकार है। हम पेड़ पौधों को काटकर इनके आवासों को नष्ट कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आज इस लोक गिब्बन के बारे में जानकर कैसा लगा, कुछ नया जानने को मिला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, मिलते हैं अगली सीरीज के अगले किसी टॉपिक पे।